नमस्कार, प्रदेश की प्रमुख खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में गुरुवार को सुबह एक बच्चे का कंकाल मिलने से ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। घटना मिर्जापुर थाना क्षेत्र के भरतापुर गांव की है। यहां रहने वाले कुछ ग्रामीण शौच के लिए खेत पर गए थे, जहां धान के खेत में उन्हें एक बालक का कंकाल दिखाई दिया, जिसकी जानकारी होने पर घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। कंकाल मिलने को लेकर ग्रामीण कई अटकलें भी लगा रहे हैं। वही मामले में पुलिस ने मिले कंकाल को लेकर अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि इसी गांव में रहने वाले गिरीश का 8 वर्षीय पुत्र भी 3 दिनों से लापता है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए रवि यादव की रिपोर्ट। सोमवार वाले दिन पे 6:30 बजे से बच्चा गायब है सर। उसके बाद में सर मैंने ढूंढा खकोरी करी, बच्चा नहीं मिला। कि आज बृहस्पतिवार को सर आज ये मरा हुआ मिला। सूचना कैसे मिली आपको? सूचना कोई चरी काटने आया था। कौन? हम ढूंढ रहे थे जरियनपुर, तो कोई बाबा इधर चरी काटने आए थे, उन्हीं ने बताया जाके घर पे। जब बच्चा गायब हुआ था आपने थाने में कंप्लेंट किए थे? थाने में सर गए थे, थाने वालों ने कहा कि आप 2 दिन ढूंढ लो, 2 दिन के बाद हम आपसे वो लिखेंगे। फिर मैं कल दे के आए। बच्चे का नाम क्या है? आर्यन। आप बच्चे के कौन है? बाप है। बच्चा है जो ग्रीस का बच्चा है, ग्रीस का, भरतापुर का रहने वाला है। ये जितना पता चला अभी तक उसके पिताजी ने बताया और बहुत सारे लोगों से मालूम किया, थोड़ा मंद बुद्धि था, मतलब समझ उसकी थोड़ी अच्छी नहीं थी और अक्सर घूमता भी रहता था। तो सोमवार से जैसा कि उन्होंने बताया उनके परिजनों ने, सोमवार से गायब था, जिसे वो खोज रहे थे। कल उसकी गुमशुदगी भी थाना मिर्जापुर में लिखी गई है, लेकिन आज इसकी डेड बॉडी सुबह, यहाँ इसमें एक ज्वार का खेत है, किनका है खेत? अवनीश उनके खेत में मिला है। और छत बिछत है उसके, कहीं मतलब अलग अलग अंग पड़े हैं, कहीं हड्डी पड़ी है। तो फिलहाल उसका पंचनामा भरवा के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है और जो भी फिर आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24।